वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट 31 करवाने जा रहा हूँ। ये नाइन्थ क्लास की वर्कशीट है और इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है हमारी। और आज की जो वर्कशीट है वो आपकी जो पोएम है नाइन्थ क्लास में विंड, उससे रिलेटेड है। पहले मैं आपको बता दूँ विंड किसे कहते हैं। देखो, जो मूविंग एयर होती है, जो बहती हुई हवा होती है, उसे विंड कहा जाता है। और एयर का मतलब एक स्टेबल एयर है जो हमारे आसपास जो है उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है। अब हम चेंजा पढ़ेंगे ताकि जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं उनको इजीली हम बता सकें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप आंसर अपने आप करना, वीडियो को रोक के फिर आप आंसर मैच कर लेना। देखो, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मेरा सिखाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपके लिए टाइम निकाल के आ रहा है तो आपको उसका भी उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको विंड। विंड आर योर विंड कम सॉफ्टली, आराम से आ। डोंट ब्रेक मतलब तोड़ना द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़की की जो शटर्स है उनको मत तोड़। पोएट कह रहा है इसको, बहती हवा को। ठीक है, डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो स्कैटर मतलब तो फैलाना और पेपर्स मतलब कागज। कह रहा है कि अरे ओ हवा, इन कागजों को तू मत फैला। डोंट थ्रो मतलब फेंकना, डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में किताबें पड़ी है ना उनको फेंक मत। देखो, ये डू नोट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओ गार्ड ने किया, इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका होता है डू नोट या डोंट। ठीक है, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया वहां पर। यू थ्रू देम ऑल डाउन, और तुमने क्या करा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। उसके आगे पढ़ते हैं, उसने बोला है यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने क्या करा, जो किताब है ना उसके सारे के सारे जो पेजेस हैं उन्हें आपने फाड़ दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। ठीक है, उसके बाद टोर मतलब होता है फाड़ना। सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कौन सी फॉर्म लगी हुई है प्यारे बच्चों, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो हवा तुम बारिश को दोबारा से ले आई हो, अगेन मतलब दोबारा। यू आर, देखो यहाँ पर भी जैसे यहाँ डोंट लिखा था ना, ऐसे यू आर से लिखा गया। आप यहाँ पे यू और आर अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये तरीका आप सीख लो। यू आर वेरी क्लेवर, अरे तुम बड़ी चलाक हो। किस लिए चलाक हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, मतलब तुम जो कमजोर लोग होते हैं ना वीकलिंग, उनका पोकिंग फन मतलब मजाक बनाती हो। ठीक है, फन बनाती हो। उसके बाद क्या कह रही है, किन का मजाक बना रही है, सुनो। फ्रेयल मतलब होता है कमजोर, क्रमलिंग मतलब टुकड़े टुकड़े, तो जो मतलब जो कमजोर घर होते हैं ना तुम उनके टुकड़े टुकड़े कर देती हो। क्रमलिंग डोर दरवाजों के कर देती हो, क्रमलिंग राफ्टर्स के कर देती हो, क्रमलिंग वुड, ठीक है, जो वुड है उसके तुम क्रमलिंग कर देती हो। ठीक है, क्रमलिंग बॉडीज एंड क्रमलिंग लाइफ, ठीक है, और जो जीवन है ना तो जो कमजोर है, ठीक है, उसके भी तुम टुकड़े टुकड़े कर देती हो। क्रमलिंग हार्ट, जिनका कमजोर दिल उनके भी जो है टुकड़े कर देती हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे जो कमजोर दिल वाले हैं ना उनको एक तरह से डरा देती हो। द विंड गॉड, जो हवा के जो देवता है, विंडोस मतलब होता है फटकना, मतलब उनको इधर से उधर फेंक दिया। एंड क्रशिज देम ऑल, सारी चीजें जो है क्रशिज कर देती, तोड़ देती हो। ठीक है, ये जो हवा का जो देवता है, ठीक है, वो क्या करता है, फटक देता है, क्रशिज कर देता है, तोड़ देता है सबको। ये सब किसके लिए यूज किया गया है, जो फ्रेल है, जो कमजोर है। ही won't do what you tell him, ये कह रहा है won't लिखा ना, इसको बोलेंगे would not, ठीक है, तो won't भी बोलेंगे शॉर्ट में, तो ये वो नहीं करेगा जो तुम इसे कहोगे। so come आओ, let's build strong homes, इसलिए अपने घर मजबूत बना लो। अगर कमजोर घर बनाओगे तो फिर हवा तो मजाक बनाएगी। let's join the doors firmly, और अपने दरवाजों को ना अच्छे से join कर लो, मजबूती से, firmly मतलब मजबूती से। practice to form the body, और प्रैक्टिस करो कि अपनी बॉडी को आप मजबूत बना लो। ठीक है, जो आपका शरीर है उसको, क्योंकि आपका फ्रेल अगर आपकी बॉडी है तो वो भी क्या होगी, क्रम्बलिंग हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है प्रैक्टिस करो कि अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, स्टीट फास्ट मतलब होता है आप स्थिर बनाना, दिल के मजबूत बनाना, एकदम डरना नहीं। तो आप जब आंसर यह देखोगे ना, एक क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है कि जो अनवीवरिंग जो है इसका सेम मतलब क्या है, तो स्टीट फास्ट, ठीक है, स्टेबल करना, एक तरह से अपने आप को स्थिर बना लेना। ऐसे डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ये कह रहा है कि अगर आप ये सब करोगे, जैसे अपनी बॉडी को स्टीडफास्ट कर लोगे, सॉरी बॉडी को फॉर्म बना लोगे, अपने हार्ट को स्टीडफास्ट कर लोगे, फॉर्म को स्ट्रॉन्ग बना लोगे, तो हवा आपकी दोस्त बन जाएगी। ठीक है, ही मे स्ट्रॉन्ग फायर रोड एंड फ्लोरिश, एक मिनट, इज द विंड
ब्लोज आउट वीक पावर, ये कह रहा है हवा जो है ना, हवा विंड बहती हवा जो है, ब्लोज मतलब आउट का मतलब है बुझा देना, तो जो हवा है वो जो कमजोर आग होती है उसको बुझा देती है, लेकिन वही हवा अगर आग तेज हो तो उसको भड़का देती है, फ्लोरिश कर देती है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आपके स्ट्रॉन्ग लोग आपके फ्रेंड बन पाएंगे और आपका कोई मजाक नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये हमें इसमें मैसेज दिया गया, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। किसने लिखी है? सुब्रमण्य भारती जी ने लिखी है, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताई है, ठीक है लेडी है। अब आगे हम समझ लेते हैं फटाफट। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो बच्चे ईमानदार है उन्हें वीडियो रोक कर आप अपने आंसर बताना, फिर उसके बाद आप मैच कर लेना, ठीक है। बाकी जिनको जल्दी उनकी बात अलग है। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोएम, बताओ पोएम कौन है? सुब्रमण्य भारती जी हैं। उसके बाद द डैश स्कैटर्स द पेपर एंड थ्रू डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, बताओ किसने सारे पेपर फैला दिए? रेन ने, ब्रीज ने, थीप ने या विंड ने? विंड ने, ठीक है। The wind will be dashed with us if people do what the poet says. हवा हमारी बन जाएगी अगर लोग वो करें जो poet हमसे कह रही है। तो बताओ क्या करें, क्या बन जाएगी हमारी हवा? Fan बन जाएगी अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो। Next है, what does the wind god do to weakling? बताओ ये जो wind देवता है, जो कमजोर लोग हैं, उनके साथ वो क्या कर रहे हैं? पोक बना, उनका मजाक बना रहे, कशिश देम उनको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, डोंट स्पेयर देम कर रहे हैं, या ऑल ऑफ दिस, तो ठीक है वो एक तरह से वो सभी कुछ कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो डोंट स्पेयर देम का मतलब होता है स्पेयर, मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो डोंट स्पेयर देम मतलब इनको बिल्कुल नहीं छोड़ती, मतलब बुरा हाल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द पोएट आस्क्स पीपल टू, पोएट क्या कह रहा है लोगों से? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, अपने घर मजबूत बनाइए, फॉर्म बॉडी, अपनी बॉडी को फॉर्म बनाइए, मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट, अपने हार्ट को स्ट्रीट फास्ट बनाइए, ऑल ऑफ देम, तो सभी कुछ कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से द विंड ब्लोज आउट, हवा किसको बुझा देती है, कौन सी आग को बुझा देती है? वीक को, और किसको भड़का देती है? स्ट्रॉन्ग को, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट है, वाट Do you think the wind symbolized in the poem? इस poem में जो हवा है वो किस चीज का सिंबल है? डिफिकल्टीज का। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। अगर हम डर गए तो हम कमजोर पड़ गए और हमारा फिर मजाक बनेगा। चैलेंजेस, हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, नहीं हार मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हार्डशिप बहुत मेहनत करना वो करनी है। तो इसका मतलब आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस आ गया। कौन सा आ गया प्यारे बच्चों? ऑल ऑफ दिस आ गया। तो इसके आंसर ये मैं मिटो देता हूँ, इस तरीके से हमारा आंसर फोर्थ हो गया, ठीक है। तो हमारे को नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस, बताओ पोएट हमें कहता है कि हमें जो चैलेंजेस है ना उसको फेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हिम्मत से, या रियली मुश्किल से, कभी केयर से, बेपरवाही से, या डर से? बताओ कैसे? ब्रेवली, मतलब हिम्मत से, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया था, फिर भी दोबारा से, विच वर्ड द सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताना, अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेट फास्ट, क्या होता है? स्ट्रेट फास्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। एसएसटी की वर्कशीट जो है उसकी आपको सॉल्यूशन अभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।